किसी जंगल में टोनी चिड़िया अपनी बेटी पिंकी और बेटा कुकू के साथ रहती थी। इसका इन बच्चों के अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं था। टोनी चिड़िया बड़ी मुश्किल से गुजारा करती थी, लेकिन अब उसे फिक्र होने लगी थी क्योंकि उसके बच्चे बड़े होने लगे थे। वो अपनी गुर्बत की वजह से बहुत परेशान थी। उसके पास तो रहने के लिए भी जगह नहीं थी, वो कहाँ से अपने बच्चों को स्कूल भेजती। क्या हुआ माँ, तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है माँ? पिंकी अपनी माँ को रोता देखकर पूछती है। तुम्हें तो पता ही है मेरे बच्चों, मैं अकेले तुम लोगों को पाल रही हूँ, तुम लोगों के खाने पीने का इंतजाम करती हूँ, बड़ी मुश्किल से हमारा गुजारा होता है। अब तुम लोग बड़े हो गए हो, तुम लोगों को स्कूल पढ़ाना है और मेरे पास पैसे नहीं है, समझ नहीं आता क्या करूँ। लोगों के घरों में जाकर जो काम करती हूँ उसमें वही पैसे मिलते हैं जिसमें हम खाना पीना खा सकते हैं, तुम्हें पढ़ाऊँ कैसे? मम्मा मम्मा, आप टेंशन मत लें, हम हैं ना आपके साथ, हम आपकी ताकत है मम्मा, कमजोरी नहीं। आप कोई कारोबार कर लें मम्मा, हम आपका साथ देंगे, कारोबार में बहुत पैसा होता है, घरों में काम करने से कुछ नहीं होता मम्मा। कुकू बहुत समझदार होता है, वो अपनी माँ को कारोबार करने का मशवरा देता है और साथ में हौसला भी। अरे हाँ बेटा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वाकई में कारोबार में तो बहुत पैसा है, अपने काम में तो जलालत भी नहीं होती, लेकिन बेटा कारोबार हम करें क्या, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। मम्मा मम्मा, हम फ्रूट का कारोबार कर लेते हैं मम्मा, इसमें तो बहुत कम पैसे लगते हैं और आमदनी भी बहुत ज्यादा होती है। ठीक है बेटा, मेरे पास जो थोड़े बहुत पैसे हैं उसका मैं आज ही फ्रूट लेकर आ जाती हूँ और इसे बेचना शुरू कर देती हूँ। थैंक यू बेटा, तुमने बहुत अच्छा मशवरा दिया मुझे। उसके बाद टोनी चिड़िया फ्रूट ले आती है और फ्रूट बेचना शुरू कर देती है। वो दिन रात मेहनत करती है, देखते ही देखते ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। ये गाजर कितने रुपए किलो है? 40 रुपए किलो। ओके, 5 किलो दे दे। जी ठीक है, मैं दे देती हूँ आपको 5 किलो। टोनी चिड़िया, तुम यहाँ से चले जाओ, ये मेरे घर का रास्ता है, यहाँ से मैं आती जाती हूँ, तुम्हारी वजह से मुझे बहुत मुश्किल होती है, तुम यहाँ से चले जाओ। उसके बाद वो चुड़ैल मंत्र पढ़ना शुरू हो जाती है और टोनी चिड़िया के फ्रूट के ऊपर फेंक देती है। प्लीज प्लीज ऐसा मत करो, मैं बहुत मुश्किल से ये फ्रूट्स लाई हूँ, इन्हें जाया मत करो प्लीज, वैसा मत करो प्लीज। मैंने तुम्हारे सारे फलों को जाया कर दिया, खत्म कर दिया, अब चली जाओ यहाँ से, चली जाओ, वरना तुम्हें भी मैं जान से मार दूंगी। बेचारी टोनी चिड़िया वहां से चली जाती है। मम्मा मम्मा, क्या हुआ आपको मम्मा, आप क्यों रो रही हैं मम्मा? क्या बताऊं बेटा कि क्या हुआ, कितनी मुश्किलों से फ्रूट का सेल लगाया था मैंने, बेचना शुरू कर दिया था, ग्राहक भी आना शुरू हो गए थे, लेकिन मैं कामयाब नहीं हो सकी क्योंकि वहाँ चुड़ैल आ गई थी। चुड़ैल? ये क्या कह रही है मम्मा, वहाँ पे चुड़ैल आ गई थी? हाँ बेटा, वहाँ पे चुड़ैल आ गई थी, उसने मेरे सारे फ्रूट्स को जाया कर दिया और मुझे वहाँ से भगा दिया और कहा कि अगर तुम नहीं गई यहाँ से तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी, ये मेरा इलाका है, यहाँ से मैं गुजरती हूँ, ये मेरा घर है। मम्मा परेशान मत हो, हमारे पास कुछ पैसे हैं, आप जो हमें कभी कभी चीज खाने के लिए पैसे देती थी वो हम जमा कर लेते थे, तो वो पैसे हैं हमारे पास, वो पैसे हम आपको दे देंगे, आप फिर से फ्रूट ले आइएगा और फिर कहीं और जाके बेचना शुरू कर दीजिएगा, इस बार हम आपका साथ देंगे मम्मा, हम भी आपके साथ में बेचा करेंगे, फिर हम लोग बहुत जल्दी अमीर हो जाएंगे। हाँ मम्मा,
हमने पैसे संभाल कर रखे हैं, आप फिक्र मत कीजिए, हम हैं ना आपके साथ। टोनी चिड़िया एक बार फिर फ्रूट का कारोबार करती है। वो अपने बच्चों के कहने पे फ्रूट लगाती है और दिन रात मेहनत करती है। इस बार उसकी बेटी पिंकी और उसका बेटा कुकू भी उसका साथ देते हैं। इस तरह वो बहुत जल्दी तरक्की कर लेती हैं। उन्होंने एक बहुत बड़ा बंगला बनाया होता है जिसमें वो लोग बहुत खुश रहते हैं। आज उनके पास हर चीज़ होती है, बंगला भी होता है और कार भी। सच कहते हैं, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।